तो दोस्तों आज हम कोई भी डब्बा नहीं खोल रहे क्योंकि आज हम डायरेक्टली लैपटॉप लेकर के आ गए हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि आज हमारे पास एचपी का एक लैपटॉप है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये है एचपी 15 पवेलियन 15 नहीं है, ये सिंपल वाला 15 लैपटॉप है और ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है। तो जो लोग भी सोच रहे थे कि भाई ये गेमिंग लैपटॉप की अनबॉक्सिंग है, तो गेमिंग की अनबॉक्सिंग नहीं है, ये एक सिंपल प्रोफेशनल लैपटॉप है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के काम आएगा। और एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि भाई हमें अगर गेमिंग करनी हो, लाइक GTA 5 खेलना हो ऐसे लैपटॉप के अंदर, तो क्या हम वो भी कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर हम GTA 5 भी टेस्ट करेंगे इस वाले लैपटॉप में और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप इसमें वो सारे काम कर पाओगे या नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत काम आएगी अगर आप कोई भी एक थिन एंड लाइट लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त आयुष, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो गाइस क्योंकि एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो भाई ये वाकई में काफी ज्यादा थिन है एज कम्पेयर टू ए गेमिंग लैपटॉप जितने भी हमने अनबॉक्स करे इस चैनल पे। और अगर अभी तक आपने कोई गेमिंग लैपटॉप की वीडियो नहीं देखी है तो सबके लिंक आ रहे होंगे यहाँ पर आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देख सकते हो। और इससे पहले मैं एक एचपी 15S की भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, ये एचपी 15 है। तो अगर आप लोगों को एक और थिन एंड लाइट लैपटॉप चेक करना है 40,000 की प्राइसिंग के अंदर, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी ऑलरेडी बन चुकी है चैनल पे, आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाकर के उसको भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है लैपटॉप से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, वहां जाके मुझे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो, वहां पे आपको डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा लैपटॉप है, हमारे सामने यहां पे एचपी की ब्रांडिंग है ऑब्वियसली, और यहां पर इंटेल का स्टिकर एक्चुअल में नहीं आता लगा हुआ, ये जिसका लैपटॉप है उसने बंदे ने लगा रखा था तो मैंने हटाया नहीं। और इसीलिए इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग नहीं बन पा रही क्योंकि भाई ये लैपटॉप पहले से यूज में चल रहा था किसी के, तो मैं उठा लाया कि भाई वीडियो बनाई जाएगी आज इसकी। तो गाइस यहां आप देख सकते हो कि लैपटॉप हमारा किस तरह का, आगे हम इसके पूरे ओवरव्यू की बात करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस को बनाने का। तो गाइस चलिए अपने लैपटॉप के बारे में एकदम डिटेल में टेस्टिंग करते हैं और सारी बातें करते हैं इसके बारे में। तो गाइस अगर ऊपर से बात करें तो ऊपर से एकदम प्लास्टिक बॉडी में आता है ये लैपटॉप और ऊपर सिर्फ एचपी की ब्रांडिंग मिलती है हमें इस लैपटॉप के अंदर और कुछ नहीं मिलता, तो बिल्कुल ही प्लेन लैपटॉप है। और गाइस अगर हम इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें जो पोर्ट मिलते हैं वो है RJ45 लैन पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट, और उसके साइड में हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं पावर के लिए और एक हेडफोन जैक भी मिलता है इसके अंदर लेफ्ट साइड में। और गाइस राइट साइड में मिलता है मेमोरी कार्ड का स्लॉट और दो USB 3 वाले स्लॉट्स और एक चार्जिंग के लिए पोर्ट मिलता है। एंड गाइस डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्लीक डिजाइन है और दिखने में ऐसा लगता है कि एक मेटल लैपटॉप है लेकिन एक्चुअल में एक प्लास्टिक लैपटॉप है, पर हाँ बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। तो अभी हम इसके अपर लिड फ्लेक्स और कीबोर्ड फ्लेक्स के बारे में बात करेंगे, भाई बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो चीज भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा एचपी 15 लैपटॉप, तो चलिए इसके अपर लिड फ्लेक्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कितना फ्लेक्स है। तो आप देख सकते हो कि अपर लिड फ्लेक्स इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है, तो भाई थोड़ा बहुत फ्लेक्स तो हो गई लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फ्लेक्स मुझे देखने को नहीं मिला यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कीबोर्ड फ्लेक्स हमें किस तरह का मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। ओवरऑल अगर बात करें तो भाई प्लास्टिक बिल्ड होने के बाद भी और एक थिन एंड लाइट लैपटॉप होने के बाद भी, क्योंकि इसका वेट भी काफी कम है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और फिनिशिंग तो ऐसी है यार लगता है कि जैसे आप एक मेटालिक लैपटॉप यूज कर रहे हो। आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, यहाँ पर हमें एक फुल बैकलिट कीबोर्ड मिलता है जिसके अंदर तीन तरीके से आप इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर हमें इसके स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि ऊपर की साइड है, यहाँ आप देख सकते हो, और एचपी की ब्रांडिंग है। यहाँ पर हमारा टच पैड है, यहाँ पर एचपी की सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताया गया है, और यहाँ आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडियो मिलता है। तो जितने भी थिन एंड लाइट लैपटॉप होते हैं उन सबके साथ माइक्रोसॉफ्ट होम एंड ऑफिस आता ही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस वाले लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो लगभग हर बार ये करेक्ट काम कर जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलता है जो कि आपके लैपटॉप अनलॉक करने के तरीके को काफी आसान बना देगा। एंड गाइस अगर डिस्प्ले की बात करें तो 60Hz का रिफ्रेश रेट है इस डिस्प्ले के अंदर, फुल HD+ डिस्प्ले है, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और ये एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है इसके अंदर और 45% NTSC रेट के साथ ये डिस्प्ले आती है, और इस सेगमेंट में आपको हर लैपटॉप में इस तरह की डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। चलिए गाइस अपने लैपटॉप के स्पेक्स के बारे में बात कर लीजिए कि मेरे पास जो ये वाला वेरिएंट है इसमें क्या स्पेसिफिकेशन आती है, और अभी फिलहाल जो Amazon पे अवेलेबल है उसमें आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि जो वेरिएंट मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ और जो वेरिएंट Amazon पे अवेलेबल है उसमें कुछ ज्यादा फर्क है या फिर नहीं। तो गाइस इस वाले वेरिएंट के अंदर मेरे पास जो प्रोसेसर है वो है i5 10th generation, और जो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड डाला हुआ है वो है इंटेल का UHD ग्राफिक्स जो कि 4GB की मेमोरी के साथ आते हैं। और गाइस इसमें जो रैम डली हुई है वो है 8GB की DDR4 2666 MHz वाली रैम, और इसमें बिल्ट इन एलेक्सा भी हमें मिल जाती है, और उसके साथ साथ जो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 256GB की SSD और 1TB की हार्ड डिस्क। तो इस वाले वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन तो ये थी। तो अब बात करते हैं कि Amazon पे जो वेरिएंट अवेलेबल है इस वाले
हैं लैपटॉप का, उसके अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो उसके अंदर हमें i5 11 जनरेशन मिलता है क्योंकि इसको अपग्रेड कर दिया गया है और उसमें भी कई तरह के स्टोरेज वेरिएंट्स अवेलेबल है। तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप जाके प्राइसिंग चेक कर सकते हो हर एक स्टोरेज वेरिएंट की। तो फिलहाल हम i5 10 जनरेशन के साथ इसके अंदर गेम टेस्ट करेंगे और उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई गेम अगर हम इसमें टेस्ट करते हैं अगर i5 10 जनरेशन के साथ और इंटेल UHD ग्राफिक्स के साथ, तो सोच लो कि अगर इससे जो अपग्रेड वाला वेरिएंट है जो फिलहाल अवेलेबल है उसमें आपको कैसी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो फिलहाल इसके अंदर हम GTA 5 चला के देखेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है इस वाले लैपटॉप के साथ। और अगर अभी तक आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी लैपटॉप कंटेंट और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि सारी वीडियोस के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। और अगर किसी का भी इस लैपटॉप को खरीदने का मन कर रहा है जो कि इसका अपग्रेड वाला वेरिएंट अमेज़न पे है, तो उसका लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, तो वो बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से बाय कर लेना ताकि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए आपके इस बाय करने से और आपके भाई को भी इससे बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो गाइस हमने GTA 5 चला दी अपने लैपटॉप के अंदर और यहां पर आप देख सकते हो कि सेटिंग्स क्या रखी हुई है मैंने। फिलहाल तो ये फिलहाल एक्सट्रीमली लो सेटिंग्स पे रखा हुआ है मैंने इसको, मतलब बहुत ज्यादा लो भी नहीं है। यहाँ पर आप इसका बस जो सेटिंग मैंने रखी है ना, इस सेटिंग्स पे अगर आप रख के इस लैपटॉप में इस गेम को खेलोगे तो मतलब आपको क्वालिटी भी बहुत ज्यादा तगड़ी आएगी और गेम भी नहीं अटकेगा। तो अब आपको गेम प्ले दिखाता हूँ कि किस तरह का गेम प्ले मिल जाता है हमें GTA 5 का इसके अंदर। देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना स्मूथ गेम प्ले मिल रहा है यहाँ पर हमें इस वाले गेम के अंदर। तो चलिए थोड़ी गाड़ी वाड़ी भगा के देख लेते हैं। तो गाइस गेम देख सकते हो कि आप गेम कितना ज्यादा स्मूथली रन कर रहा है और कोई भी लैग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का। तो गेम बड़े आराम से चल जाएगा, बस हाँ आपको सेटिंग्स में थोड़ी लो सेटिंग्स करके चलाना पड़ेगा और रिजोल्यूशन वगैरह आप देख लेना कि किस तरह से आपको रखना है। एंड गाइस हीट की बात करें कि भाई ये लैपटॉप हीट ज्यादा होता है या नहीं अगर हम गेमिंग करते हैं, तो हाँ हीट तो डेफिनेटली होता है, लेकिन हाँ ये अपने आपको कूल भी बहुत जल्दी कर लेता है क्योंकि प्लास्टिक बॉडी है तो इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गाइस अगर हम स्पीकर्स की बात करें कि इस लैपटॉप में हमें किस तरह के स्पीकर्स मिलते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने खुद जब सुना तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस था इसके स्पीकर्स के साथ, तो थिन एंड लाइट लैपटॉप की कैटेगरी में अगर देखें तो उस हिसाब से इसके स्पीकर काफी ज्यादा बेटर है। और क्योंकि इसके स्पीकर्स ऊपर की साइड आते हैं तो उससे इसकी आवाज जो है वो कम नहीं होती, दबती नहीं है, आवाज बहुत ही खिल के बाहर आती है। तो गाइस अगर हम बैटरी की बात करें तो जो मुझे आउटपुट मिला इसके अंदर बैटरी का वो था 5 से 6 घंटे तक। तो मतलब 6 घंटे तक मान के चलो अगर आप बैटरी सेवर ऑन कर लेते हो और ठीक ठाक ब्राइटनेस पे अगर आप काम करते हो तो आराम से आपको 6 घंटे तक का नॉर्मल यूसेज पे बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं और थिन एंड लाइट लैपटॉप की कैटेगरी के हिसाब से मेरे हिसाब से 6 घंटे का बैकअप इनफ है, इतना ही आपको ओवरऑल मिलता है ऐसी प्राइसिंग के अंदर। कुछ लैपटॉप्स को छोड़ के जो अल्ट्रा बुक होती है उनके अंदर थोड़ा ज्यादा आपको मिल जाता है बैटरी बैकअप, लेकिन 15 इंच के लैपटॉप के हिसाब से 6 घंटे का बैटरी बैकअप इनफ है। तो गाइस अब बात रही मेरे ओपिनियन की कि भाई क्या ये लैपटॉप मैं आपको रेकमेंड करूं या फिर नहीं। तो पहली बात तो ये लैपटॉप सबके लिए नहीं है, तो जो लोग भी स्टूडेंट्स है या फिर जो लोग प्रेफर करते हैं एक हल्का सा लैपटॉप जिसमें उनके ओवरऑल सारे काम निकल जाए और प्राइसिंग भी कम है क्योंकि इसकी, तो उस हिसाब से ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। मतलब आप ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर मुझे कोई कमी नहीं लगी पर्सनली बताऊं तो। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी इसकी, सारी चीज अच्छी है, बैकलिट कीबोर्ड भी है, डिस्प्ले भी अच्छी है, ओवरऑल बढ़िया मिलती है, बैटरी वैटरी सब कुछ अच्छा मिलता है। तो इसलिए स्टूडेंट के हिसाब से जो बहुत ही हल्की फुल्की गेमिंग करने चाहते हैं और उनको अपनी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या फिर थोड़े बहुत जो भी उनके काम है वो सारे निकालने हैं और एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए, तो उस हिसाब से लैपटॉप आप खरीद सकते हो, डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, वहां पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप एक गेमर हो और आपको बैटरी से कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की हुई है 60 से 70 हजार के बीच में और 80 हजार का भी एक लैपटॉप अनबॉक्स किया था लीजियन 5, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस आई बटन पे मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो ताकि अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेने का मन है, मतलब अगर आपके पास बैटरी का कोई इशू नहीं है, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप गेमिंग लैपटॉप खरीदो। तो वीडियोस के लिंक आपको सबको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बैटरी चाहिए तो एक तो ये वाला लैपटॉप है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बैटरी प्रोवाइड कर देता है थिन एंड लाइट की कैटेगरी में, और एक और लैपटॉप भी अनबॉक्स किया था उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे अगर आपको एक थिन एंड लाइट लैपटॉप खरीदना है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, हमारा लैपटॉप जो है उसका रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। और कैसी लगी आपको ये वीडियो लाइक करके बता देना, पसंद आई हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके खरीदना हो अगर आपको तो खरीद लेना, क्योंकि उस लिंक से खरीदोगे तो तुम्हारे भाई को और इस चैनल को बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगा, तो वहां से जाके खरीद लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कह रहा हूं लाइक करे बिना मत जाना और सब्सक्राइब कर देना यार अगर पहली बार देख रहे हो, क्योंकि सपोर्ट करना चाहिए यार तुमको, सपोर्ट कर देना ऐसे ही सब्सक्राइब करके। तो हम मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।